चलो, कपिल ऑफ थ्योरी टॉपिक्स टू गो अहेड विद. द फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम टेकिंग अप इज नोन एज व्हाट? स्टार्टअप फाइनेंस. 5 मार्क का क्वेश्चन श्योर है. हम अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट? फर्स्ट वन, स्टार्टअप फाइनेंस मीन्स इनिशियल इन्फ्यूजन ऑफ मनी नीडेड टू टर्न एन आइडिया इन टू वॉट? रियालिटी. वी हैड डन दिस चैप्टर ऑन लाइव लेक्चर्स ऑल्सो, नॉट मिस इट आउट. स्टार्टअप तभी भी कहा था, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि इनोवेटिव आइडिया हो. स्टार्टअप इज जस्ट नथिंग बट स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. Even if you plan to start a Vada Pav stall downside, it is known as startup only. हंस क्या रहे हो? Vada Pav वाले करोड़ों रुपए कमाते हैं. तुम लोग भी उतना नहीं कमाते हो स्टाइपिन में. Vada Pav वाला बोला था. Vada Pav वाला मतलब इट्स बिग बिजनेस टुडे. इवन चीज टी स्टॉल ओनर्स आर मेकिंग गुड बिजनेसेस. डू यू अग्री विद दैट? तुम्हारे सोचो बॉसेस बॉसेस नहीं होंगे लाइफ में, ऐसे सोचो तुम लोग. अ लाइफ विदाउट बॉस, इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू ऑल. हाँ, 15 दिन से वो लाइफ जी रहा है. 15 दिन से बॉस का फोन नहीं आया, क्या हो जाता? अरे बाप रे, बोल ना. अनमैरिड हूँ. Can we continue? First one, innovative ways to start up a finance. This is one question, 5 marker. One, personal financing. Is it your own money? Yes. The second, personal credit lines. That means our friends, families, relatives, all. Family and friends, peer to peer. That means again, same level of financing. Crowdfunding, very important. Micro loans, vendor financing, purchase order financing, factoring, accounts receivable. Do you recall all of this? पेज प्रेजेंटेशन वहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखो. पहले भी कहा था, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा आएगा पेज प्रेजेंटेशन का. और 8 पॉइंट्स लिखने हैं, और 8 में से फर्स्ट 4 पॉइंट्स तो यही आने चाहिए. बाय हेड करना है तो अभी वापस कर लो. द फर्स्ट 4 पॉइंट्स दैट आई हैव इज, फर्स्ट वन शुड बी इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, हु यू आर, वट यू लाइक, ऑल दैट स्टफ. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? नेक्स्ट वन, वट इज सेकेंड? टीम. हमारी टीम में कौन है, क्या मेंबर्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके. परफेक्ट. नेक्स्ट वन, थर्ड इज प्रॉब्लम एंड फोर्थ वन इज सॉल्यूशन. यू शुड कैटर टू सम प्रॉब्लम एंड योर बिजनेस शुड बी द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पर? नाउ दैट प्रॉब्लम कैन बी एनी प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, और द प्रॉब्लम विच इज न्यू टू दैट एरिया. परफेक्ट है. सो समथिंग लाइक यू नो फूड जॉइंट्स, तो दे स्पेसिफाई द प्रॉब्लम इज कि वो एरिया में वो फूड अवेलेबल नहीं है, तो मैं फूड जॉइंट ओपन कर रहा हूँ. परफेक्ट है. दिस ट्रैवल वेबसाइट्स आई वॉज टॉकिंग यू, अपना Airbnb की कल्चरल शेयर होता है, रेट्स डाउन होते हैं, 5-star होटल्स में रहने की ज़रूरत नहीं है. आर वी क्लियर विद दैट वन? आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई ट्रैकिंग एक्सपीरियंस. पीपल गो टू वर्ल्ड यू नो टू लुक एट प्लेसेस. तो लोग स्विट्ज़रलैंड घूमने चले जाते हैं, करोड़ों रुपया बर्बाद करके आते हैं. एक ट्रैक पे चले जाओ, 30,000 रुपये का ट्रैक है. ऐसे ऐसे व्यूज़ दिखेंगे जो स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं दिखेंगे. सो दैट इज़ फार बेटर. एंड दिस ऑल थिंग हैपन्स बिकॉज वी हैव सम गुड आइडियाज़ टू वर्क ऑन. आर वी क्लियर? ये जो ट्रैकिंग कंपनीज है, दे हैव बिकम बिग बिजनेसेस नाउ. इफ यू हर्ड अबाउट द 2 साइट्स दैट दे टेक ऑन, IndiaHex.com, दे हैव बिकम ह्यूज. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद गुड प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑल. अपना फूड बिजनेस तो ऑल टाइम ग्रेट ही है, मेडिसिंस, हॉस्पिटल्स. अभी क्लियर? लॉट ऑफ स्टार्टअप फाइनेंसिंग डन बाय ग्रेट पीपल लाइक एलॉन मस्क, है ना? समथिंग न्यू. आज सुबह को आ रहा था तो आई वॉज लुकिंग एट हाउ हाइपर लूप विल बिकम अ रियलिटी विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स. सो हाइपर लूप वी आर टेस्टिंग इन इंडिया एक्चुअली, फ्रॉम मुंबई टू पुणे. So they say is from Mumbai to Pune we can travel in 15 minutes maximum. चलो 15 नहीं, आधा घंटा भी ले लो तो मैं सबसे पहले शिफ्ट होएगा यहाँ से पुणे. आराम से सुबह 6:30 बजे का उधर हाइपर लूप पकड़ो, 7 बजे क्लास में. हाँ मतलब कांदीवली से इधर आने में जितना टाइम लगता है उतना तो पुणे से आ जाओ. एंड पुणे इज सच अ गुड प्लेस टू स्टे. सो लॉट ऑफ ओपन स्पेसिस, द टेम्परेचर इज सो गुड. मुंबई देखो अपना क्या सड़ रहे, हम क्या सड़ रहे, आते रोज इधर ही
क्लियर, फर्स्ट 4 पॉइंट्स प्लीज मिस आउट नहीं करना है वरना मार्क्स नहीं मिलता। सो इंट्रोडक्शन, टीम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, फिर फेको फाकी चालू अपना। अभी क्लियर? सो व्हाट आर द नेक्स्ट पॉइंट्स वी हैव? मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी, नेक्स्ट वन प्रोजेक्शंस और माइलस्टोन, कंप्लीशन, बिजनेस मॉडल, फाइनेंसिंग। क्लियर? चलो बिना दुखे एक बार बोल दो मेरे को 8 पॉइंट्स वहाँ पे देखे बिना। फर्स्ट वन, सेकेंड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन, मार्केट, प्रोजेक्शंस, कैश फ्लोज, बिजनेस मॉडल, फाइनेंसिंग। कॉम्पिटिशन इज अगेन वेरी ग्रेट पॉइंट, यू नो, दुकान उधर ही डालने का जिधर अपना कॉम्पिटिटर हो बाजू में। लोग, तुम लोग को तभी भी समझा रहा था, लॉजिस्टिक्स ऐसे नहीं होने चाहिए जहाँ पे कॉम्पिटिटर है वहाँ पे क्यों जाएंगे, वो तो कॉम्पिटिशन हो जाएगा। नहीं, जहाँ पे कॉम्पिटिशन है उधर ही दुकान डालने का, तो एटलीस्ट लोग आके अपने को देखेंगे। और इंडियन मेंटेलिटी ना बहुत खतरनाक है, इट्स ऑलवेज ट्राइंग ऑफ न्यू। अभी एग्जैक्टली क्लियर? आई हैव सीन प्लेसेज, यू नो, देयर इज वन प्लेस टोटल हिट, एब्सोल्यूट हिट, फुल क्राउड रश, उसके बाजू में एक नया है। अब अपना इंडियन मेंटेलिटी क्या, नया ट्राई करो, सब उधर। और अभी ऐसा हो गया कि ही इज बिन अ ग्रेटर हिट और वो ऐसे खाली पड़ा रहता है। अभी एग्जैक्टली क्लियर? दैट मीन्स समथिंग लाइक क्लासेज एंड ऑल। सो आर रीजन ऑल्सो वाई शुड वी स्टार्ट क्लासेज हियर एंड अंधेरी, बिकॉज आजू बाजू में सब क्लासेज ही है। एटलीस्ट कोई आके घूम के तो जाएगा कि यहाँ पे क्लासेज है। अब मैं कहीं एकदम गाँव के खेड़े में क्लासेज डालूँ तो कौन आएगा वहाँ तक? कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन श्योर है, बूट स्ट्रैपिंग अपना किस पे? पिच फाइनेंसिंग पे, पिच प्रेजेंटेशन। क्लियर? नेक्स्ट वन, मोड्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंस। इफ यू रिमेंबर, 3 मोड्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंस। फर्स्ट वन वॉज बूट स्ट्रैपिंग, सेकेंड सीड, एंड थर्ड वन वेंचर। पहला कौन सा? बूट। नेक्स्ट वन, सीड का नाम था एंजल, है ना, एंड द लास्ट वन वॉज वेंचर। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब हम लोग खुद ही अपना फाइनेंसिंग करेंगे, जितना रेवेन्यूज जनरेट करेंगे वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट माई बिजनेस मॉडल, आई ऑलवेज वर्क ऑन बूट स्ट्रैपिंग। सो वी स्टार्टेड विद दिस क्लास, आई हैड इवन अ स्मॉलर क्लास बिफोर दैट, नाउ वी आर प्लानिंग टू हैव अ लार्जर क्लास आफ्टर दिस। इट्स बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग मतलब यहाँ से जो रेवेन्यूज जनरेट किए उसको सेव किया है, अब नेक्स्ट टाइम वो पैसा हम बड़े क्लास में डालेंगे तो वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यूज जनरेट करेंगे। बट बूट स्ट्रैपिंग में एक बात ध्यान रहना चाहिए, ये तो मेरा बिजनेस है जो मेरे पे डिपेंड करता है, सो आई कैन गो फॉर बूट स्ट्रैपिंग। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ बिजनेस विच इज़ वेरी जनरल इन कैरेक्टर, देन यू हैव टू ग्रो वेरी फास्ट, बिकॉज अदर पीपल कैन कॉपी योर आइडिया एंड दे कैन मूव वेरी फास्टर। अभी एग्जैक्टली क्लियर? सो वी लुक एट फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हाउ फास्ट दे हैव ग्रोन। अब फ्लिपकार्ट अगर जरा भी स्लो कर देता अपना पेस तो इट इट कुड नॉट मैच अप, वो बंद हो जाएगा। सो फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट हम लोग ने कितने सारे वेब कम्युनिक अपना वेबसाइट्स देखे जो बंद भी हो गए। स्नैपडील तो चल रहा है मेरे ख्याल से अभी भी, ईबे इज ऑलमोस्ट ऑफ ना मेरे ख्याल से, बिकॉज दे कुड नॉट ग्रो फास्टर। वन ऑफ द ग्रेट रीजन दिस पीपल डिड इट इज, यू नो, दे सोल्ड फ्लिपकार्ट अगेन जस्ट बिकॉज टू मेंटेन फ्लिपकार्ट। बिकॉज टुडे इन द वर्ल्ड द सर्वाइवल इज एक्चुअली ग्रोथ, इट्स नॉट वी ग्रो टू ग्रो, इट्स एक्चुअली वी ग्रो टू सर्वाइव, अदरवाइज वी कैन नॉट सर्वाइव ऑल्सो इफ द बिजनेस मॉडल इज वेरी प्लेन एंड सिंपल। आर वी क्लियर विद दैट वन? सिंपल थिंग्स लाइक फूड स्टॉल, फूड इंडस्ट्री, कैन आई से दे विल स्टार्ट हैविंग फ्रेंचाइजेज ऑल टुगेदर। वंस अपॉन टाइम देयर वर डेज, यू नो, दैट नेचुरल्स, एक भाई पार्लियामेंट नेचुरल्स है, अब जाके देखो हर एक स्टेशन पे नेचुरल्स है, बिकॉज नहीं सर्वाइव कर पाओगे, बिकॉज दूसरे ब्रांड्स आके आपको खा जाएंगे। परफेक्ट है? सो बूटस्ट्रैपिंग में केयर मस्ट बी टेकन दैट यू ग्रो वेरी फास्ट। बूटस्ट्रैपिंग के बाद आता है कि भाई अपने पास पैसा नहीं है तो कहाँ से लेके आए, सो वी कॉल इट एज एंजल। हु इज एंजल? और इसीलिए नाम दिया कि एंजल, ही विल फाइनेंस यू एट सीड लेवल। सीड लेवल मतलब राइट फ्रॉम स्टार्ट, आपके पास सिर्फ आइडिया एंड ही गिव्स यू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड टू स्टार्टअप। एंड ही डज नॉट ओनली गिव यू फाइनेंस गाइज, ही गिव्स यू हिज स्किल, हिज नॉलेज, ही गिव्स यू कॉन्टैक्ट्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स। आर वी क्लियर? पीपल लाइक रतन टाटा एंड ऑल, दे कैन बी वेरी वेरी गुड एंजल फाइनेंसर्स, सच अ ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉलेज दिस पीपल हैव। आर वी क्लियर? वेन वी लुक एट दोज पीपल वी आर इंस्पायर्ड, वी वर्क हार्डर। द पर्सन डेट आई हैव स्टडीड फ्रॉम, और जिसको देख के मैं प्रोफेसर बना, और आज भी मैं कभी अगर ऐसा लेट डाउन या टायर्ड फील करता हूँ तो आई जस्ट थिंक अबाउट हिम, हिज नेम इज दीपक मिस्त्री।
the kind of enthusiasm that person had, the kind of business that guy did was fabulous. तभी तो कंप्यूटर्स वम्प्यूटर्स नहीं थे, उनको कंप्यूटर्स आता भी नहीं था. वो क्लासेस के टाइम टेबल बना देते थे, पूरा एक एक्सेल शीट लेके बैठ जाते थे, ऐसे पेपर लाइंस ड्रॉ करते थे, एंड यूज टू सेव कौन सा क्लास, कौन सा लेक्चर, कौन सा प्रोफेसर. और तभी के जैसे नहीं था, क्लासेस वॉज ह्यूज बिजनेस. नाउ आई रन माई शो, सो आई हैव वन क्लास, टू सब्जेक्ट्स टू हैंडल. आई यूज टू वर्क फॉर हिम, वी यूज टू हैव लाइक फोर ब्रांचेस. एवरी ब्रांच यूज टू हैव 10 क्लासरूम्स. एवरी ब्रांच यूज टू हैव क्लासेस फ्रॉम FIJC टू TYBCOM, CPT, IPCC, CA फाइनल. यू थिंक अबाउट दिस नाउ, 10 क्लासरूम्स, 4 ब्रांचेस, यू आर टॉकिंग अबाउट 40 क्लासरूम्स ऑक्यूपाइड होल डे. सो 40 क्लासरूम्स के लिए इतने प्रोफेसर्स, और कौन से क्लास में कौन सा लेक्चर चल रहा होगा, कौन सा चैप्टर चल रहा होगा, इट्स लाइक लॉजिस्टिक्स. एंड दीपक सर यूज टू सिट ऑन सैटरडे एवरी टाइम फॉर 2 आवर्स एंड यूज टू मेक द एंटायर टाइम टेबल. मैं तो देखता था क्या कर रहे, इधर उधर इसको निकाल, उधर से बस चेस खेल रहे थे. तू किधर है दादर? अच्छा तू दादर कैसे रहेगा, तेरे को तो बॉम्बे डाला मैंने. बोला हाँ सर, दो जगह पे. तो तू एक काम कर, तू बॉम्बे से निकल जा, तू दादर जा. सो इट वॉज लाइक चेस प्लेइंग. अब मेरे को बॉम्बे से निकाला तो बॉम्बे कौन जाएगा? आर वी क्लियर? अगेन अ काइंड ऑफ एंथुजियाज्म आई हैव सीन हिम हिम. इट एक्चुअली गेट्स अप एट 5 इन द मॉर्निंग एवरी डे एंड स्लीव्स बाय 11 o'clock एट नाइट. डेली शेड्यूल, रीड सो मच. वैन आई लुक एट टुडेज किड, यू नो, वॉचिंग दो सीरीज एंड ऑल, आई यूज टू सीरियसली वंडर, मतलब कहाँ कहाँ कौन सा डेवलपमेंट, कौन सा ग्रोथ हो रहा है. आर वी क्लियर? या बिकॉज रीडिंग एक्चुअली डेवलप्स यू, इट लेट्स यू नो सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड. अपने को एटलीस्ट, भले तुम लोग सी ए फाइनल कर रहे हो, सो आई एम नॉट टेलिंग इट टू यू राइट नाउ, बट वंस यू आर डन विथ सी ए, एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बुक तो कंप्लीट होना ही चाहिए. एंड रीड एनी थिंग, वट एवर यू लाइक. ना सब गायब भी हो रहा है, सब वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, तो सब अपना टीवी सीरीज में चालू है, लगे पड़े हैं. परफेक्ट है. बाय द एज ऑफ 22 आई गेस, और 23, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, दैट गाय वॉज सी ए, दैट गाय वॉज सी एस, दैट गाय वॉज सी एफ ए, अपना सी एफ ए नहीं, सी डब्ल्यू ए. तभी तो यही 3 स्ट्रीम हुआ करते थे. दैट मीन्स इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी, ही इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एवरीथिंग टुगेदर ओनली 12th के बाद. सो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स ये एग्जाम आ रहा है, वो एग्जाम आ रहा है. आई सीरियसली रिमेंबर, मेरे को लगा जोक कर रहे होंगे. मैंने सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट देखा उनका, राइट है. एंड वंस ही टोल्ड मी कि उनका एक सी एस एग्जाम और सी ए एग्जाम साथ में आ रहा था, तो उन लोग दोनों का तभी टाइमिंग अलग हुआ करता था. सी ए एग्जाम यूज टू बी 11 to 2 एंड सी एस एग्जाम्स यूज टू बी 2 to 5. आफ्टरनून भी नहीं, वो पता नहीं होएगा कुछ, उसके स्पेसिफिक पे नहीं जाना. वी आर टॉकिंग अबाउट 1990s. आर वी क्लियर? सो वट इज ही डन एट टाइम्स इज, ही इज गॉन टू एन एग्जाम, आफ्टर 2.5 आवर्स इज लेफ्ट दैट एग्जाम बिकॉज ही स्टिल नीड्स टू ट्रेवल टू अनदर सेंटर एंड फिर दूसरा पेपर. आर वी क्लियर विद दैट पन? एंड बाई दैट वे इज बिकम. सो दिस ऑल पीपल आर ग्रेट ना. सो दिस आर एंजल फाइनेंसर्स. और थर्ड एंजल फाइनेंसर के बाद के लेवल के लोग आते हैं, दे आर नोन एज वॉट, वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल को कोई अपने से लगाव नहीं होता भाई, उनको क्या चाहिए होता है, सिर्फ पैसा. और अपने को भी बेसिकली पैसा ही चाहिए होता है उनसे, बिकॉज नाउ आई हैव ग्रोन, माई बिजनेस मॉडल इज हिट, नाउ आई जस्ट नीड टू एक्सपैंड. सो आई ऑल्सो वॉन्ट देम नॉट टू इंटरफियर इन टू माई बिजनेस, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट नॉट टू इंटरफियर, दे जस्ट वॉन्ट देयर रिटर्न्स बैक. सो वॉट डू आई डू? टेक मनी, ग्रो एंड गिव देम रिटर्न्स. सो विल यू रिमेंबर दिस 3 लेवल्स? पहला कौन सा? बूटस्ट्रैपिंग, वेंचर, एंजल, सॉरी, एंड वेंचर. सो ये चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं? 4. पहला क्वेश्चन कौन सा? पिच प्रेजेंटेशन. सेकेंड, बूटस्ट्रैपिंग पे 1 5 मार्क, एंजल पे 1 5 मार्क, वेंचर पे 1 5 मार्क. पक्का? बूटस्ट्रैपिंग क्विकली रिफर करता हूँ. 5 सोर्सेज ऑफ बूटस्ट्रैपिंग. फर्स्ट वन कौन सा है? फैक्टरिंग, ट्रेड क्रेडिट, लीज एंड मॉर्गेज, कस्टमर क्रेडिट, यार्ड सेल, ऑक्शन, ऑन साइट कंसल्टिंग. डू यू अग्री विद दैट? Advantages of bootstrapping. First one, retaining control, efficiency, increases awareness, involvement, more time to work, more profits to you, exposure to what guys? Alternatives. Just read those points. First one, retaining control. Can I say we maintain absolute control? We don't have to ask anyone about what timings I should do and what timings I should not do, because I'm not answerable to anyone. But definitely it ensures what? Efficiency. The more efficient I am, the more business will grow. Are we clear with that one? Next one, increases awareness and what guys? Because see, you are doing your own business, you will understand everything that you want. Everything. You become so good na, ki aap sab kar lete ho.
क्योंकि आपका ही बिजनेस है. आर वी क्लियर विद दैट पॉइंट? नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई कैन शेयर ओनली माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन दैट केस. सो आई हैव एन ऑफिस, किसी दिन झाड़ू वाला नहीं आया तो मैं झाड़ू भी निकाल लेता हूँ, किसी दिन कोई खोलने ही नहीं आया ऑफिस तो मैं ही खोल करता हूँ. बिकॉज यू डू एवरी थिंग, इट्स योर्स. वेन यू गो टू एन ऑफिस, पर्टिकुलर ऑफिस, यू डोंट फील दैट ना, बिकॉज इट्स नॉट योर्स. ऑफकोर्स इफ आई गो टू अ कॉर्पोरेट ऑफिस टूडे एंड आई फाइंड इट यहाँ पे कचरा पड़ा है, होएगा, उठाएगा किसी का काम है तो. बट अगर अपना ही ऑफिस और कोई ऐसा डाल रहा है, क्या कर रहा है, उठा चल डस्टबिन में डाल, बिकॉज इट्स योर्स. एंड यू टेन टू लर्न एवरी थिंग दैट यू कैन नॉट लर्न इन जॉब, बट यू विल डेफिनेटली लर्न एवरी थिंग वेन यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन. नेक्स्ट वन, मोर टाइम टू वर्क. कैन आई से यू हैव मोर टाइम टू वर्क, मोर प्रॉफिट्स टू यू, अपना ही है तो जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना प्रॉफिट्स भी हम ही कमाएंगे. एंड द लास्ट वन, एक्सपोजर टू वॉट गाइज, वेरियस अल्टरनेटिव्स. कोई डाउट्स है? नेक्स्ट वन, एंजल इन्वेस्टर. आई एम नॉट रीडिंग द पैराग्राफ्स. एंड लास्ट वन इज वेंचर कैपिटल. डू यू अग्री विद दिस? वेंचर कैपिटल के फीचर्स पढ़ रहा हूँ. लॉन्ग टर्म होराइजन, लैक ऑफ लिक्विडिटी, हाई रिस्क, इक्विटी पार्टिसिपेशन, हीटेक प्रोजेक्ट, पार्टिसिपेशन इन वॉट गाइज, मैनेजमेंट. एनी डाउट्स टू यू? कोई डाउट्स ये चैप्टर पे है? कैन आई गो हैड? फिर से चार क्वेश्चन रिपीट कर लो. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर वन? फर्स्ट पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, फिर कुछ भी लिख देने का. देन वी हैव शॉर्ट नोट्स ऑन बूटस्ट्रैपिंग, वेंचर, एंजल. गॉट इट? चलो, इसके बाद एक थ्योरी टॉपिक था. SME नहीं करते वो, तुम अपने आप से कर लेना, ठीक है? कैन आई टेक सिक्योरिटाइजेशन? अभी किया था मेरे ख्याल से. व्हाट इज डिफाइन, यू डिफाइन सिक्योरिटाइजेशन नाउ? पेज नंबर कौन सा आएगा? 240 दिख रहा है मुझे. चलो 239. कैन आई स्टार्ट नाउ? यू टेल मी गाइस, व्हाट इज द डेफिनेशन? पढ़ो मत वहाँ पे, वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना. सिंपल, इट्स अ प्रोसेस बाय विच इन लिक्विड असेट्स आर कन्वर्टेड इन टू लिक्विड असेट्स. सिक्योरिटाइजेशन कौन करता है? बैंक्स. बैंक्स के बुक में सबसे बड़े असेट्स कौन से होते हैं? रिसीवेबल्स, लोन्स. वो रिसीवेबल और लोन्स को हम लोग बेच देंगे और क्या कलेक्ट करेंगे? कैश. वो कैश से वापस क्या देंगे? लोन्स. लोन से क्या कलेक्ट करेंगे? कैश. चलता रहेगा. दैट्स अ गुड प्रोसेस, दैट इज नोन एज सिक्योरिटाइजेशन. नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. आई कैन डिवाइड द पार्टिसिपेंट्स इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में तीन पार्टिसिपेंट्स थे सिर्फ, पहला दैट इज बैंक, सेकेंड SPV, थर्ड इन्वेस्टर्स. तीन लाइन में है ना डायग्राम भी तुम्हें याद है, तो एक ओरिजिनेटर आता है, फिर एक SPV आता है और एक इन्वेस्टर आता है. सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स, फर्स्ट वन ओब्लाइगोर, नेक्स्ट वन रेटिंग एजेंसी, एनहांसिंग क्रेडिट एनहांसमेंट्स, अरेंजर, स्ट्रक्चरर, कलेक्टिंग एजेंट्स. फर्स्ट वन ओरिजिनेटर, स्पेशल पर्पस व्हीकल, द इन्वेस्टर. सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स ऑब्लाइगर, रिटेनिंग एजेंसी, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, एजेंट और ट्रस्टी, क्रेडिट एनहांसर, स्ट्रक्चर्स. डायग्राम याद आ रहा है? यही डायग्राम, बट वो PPT में दिखाया था मैंने तुम लोग को, याद है? क्लियर एकदम? थोड़े नंबर्स के अगर प्रेजेंट कर सको तो ज़्यादा अच्छा है. फर्स्ट वन ओरिजिनेटर एंड कलेक्टिंग एजेंट, गिव्स लोन टू ऑब्लाइगर, ऑब्लाइगर बिकम्स कलेक्शन फॉर अस. डू यू अग्री? थर्ड वन SPV के क्रेडिट एनहांसमेंट कराएंगे, फिर रेटिंग कराएंगे. कैन यू सी? स्ट्रक्चरर इज पॉइंट नंबर फाइव, ये सब कुछ स्ट्रक्चर करेगा. फिर सिक्स, कैन आई से असेट ट्रांसफर कर दिए SPV को और SPV ने अपने को क्या दिया? कैश. दैट इज 6 एंड 7 डन. 8 क्या है? अरेंजर आ गया, सब्सक्रिप्शन कर रहा है. 9 आर यू इशूइंग द सिक्योरिटी? नेक्स्ट वन 10 कैश फ्लो, कलेक्टिंग एजेंट कैश फ्लो कलेक्ट करेगा, किसको ट्रांसफर करेगा? SPV. और 10 SPV ये पैसा किसको ट्रांसफर कर देगा? इन्वेस्टर्स. पक्का? फिर से एक बार दो क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर वन, हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन? प्राइमरी, सेकेंडरी. प्राइमरी में ओरिजिनेटर, SPV, इन्वेस्टर. सेकेंडरी में ऑब्लाइगोर, रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट एनहांसर्स, स्ट्रक्चरर, एजेंट, ट्रस्टी, कलेक्टिंग एजेंट्स. क्लियर? अरेंजर. नेक्स्ट वन, प्रोसेस पूरा डायग्राम बना के. सो क्वेश्चन नंबर वन, हुआ पार्टिसिपेंट्स. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज अ प्रोसेस? क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थ्री, कैन बी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. आई वांट यू टू रीड इट. व्हाट आर प्रॉब्लम्स आपका है? एंड लास्ट वन, मेरे लिए वापस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी. डू यू रिमेंबर?
थ्री टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, पे थ्रू, पास थ्रू. पहले पास थ्रू याद रख लो, रिमेंबर द वर्ड पास. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने बराबर से समझा आपको. पास मतलब नीचे से जो कलेक्ट करेंगे वो पूरा पास ऑन कर देंगे. अगर नीचे से किसी ने रीपेमेंट कर दिया तो इनको भी रीपेमेंट हो जाएगा. सो फर्स्ट वन इज पास थ्रू, सेकेंड वन इज पे थ्रू. सो विल पे देम थ्रू, थ्रू वॉट द कलेक्शंस. सो कलेक्शंस आएगा उसमें से इनको पे करेंगे. डू यू अग्री विद दैट पॉइंट? अच्छा, बट कलेक्शन जल्दी आ गया तो पैसा होल्ड करो, कहीं और इन्वेस्ट कर दो. वहां से जो पैसा आएगा वहां से इनको पे करेंगे. कैन आई से दे विल बी पेड ऑलवेज ऑन द मेच्योरिटी ओनली? सो वन वी हैव पास थ्रू, सेकेंड वी हैव पे थ्रू, एंड थर्ड वन वी हैव गॉट इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज, प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज, स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज बोलते हैं. सो इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज एंड प्रिंसिपल. सो पास थ्रू, पे थ्रू, एंड लास्ट वन इज स्ट्रिप सिक्योरिटीज. डू यू अग्री? कोई डाउट्स है? पक्का? थ्री क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर वन पार्टिसिपेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर थ्री टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज? पे थ्रू, पास थ्रू, और पहले एक्चुअली पास थ्रू याद रखो. पहले क्या याद रखोगे? पास थ्रू, फिर पे थ्रू, स्ट्रिप्ट. और स्ट्रिप्ट के अंदर कौन से दो सिक्योरिटी है? इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज एंड प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज. पक्का? एनी डाउट्स ऑन दैट? चलो आगे जाऊं. उसके बाद मैंने तुम्हें एक थ्योरी चैप्टर कराया था, इज इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, दैट इज द सो कॉल्ड इस्लामिक फाइनेंस. ये दिख रहा है तुम लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ IFC? इस साल का पेपर था, 5 मार्क. व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ IFC? दिस क्वेश्चन वॉज देयर इन एग्जामिनेशन. गॉट दिस? चलो आ जाओ वहां पे. IFC का फुल फॉर्म बोलो. इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर का मतलब है अ सेंटर वेयर बाय पीपल कैन कम एंड डू फाइनेंसिंग विच इज नॉट अंडर RBI रूल बट विच इज नॉट इलीगल ऑल्सो. सो इलीगल नहीं है पर RBI के गवर्नेंस में नहीं है. अभी अपना इंडिया इतना खतरनाक वास्ट नेशन है, वी हैव सो मेनी कल्चर्स, सो मेनी डिफरेंट कैटेगरी, सब कैटेगरी ऑफ पीपल अराउंड यर, and they have got so much of belief and their own ways of working around. Do you agree with that one? कल शाम को, या आई गेस उसके पहले, आई मेट अ वेरी गुड संस्कृत टीचर. शी इज़ वेरी ओल्ड बट शी इज़ डन अ PhD इन संस्कृत. आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हर और बोलती है कितना डिफरेंट है अपना कंट्री. एंड शी जस्ट गेव मी वन वर्ड, कैश. बोलते हैं कैश का मीनिंग ही अपने कल्चर में कितने डिफरेंट लोग के मीनिंग में डिफरेंट लेवल होता है. सो बोलते हैं मराठी लोग बोलते केश, सो दैट्स हेयर. गुजराती लोग बोलते कैश, दैट इज पैसा. बोलते लॉयर लोग को बोलो केस तो केस. सो दे हैव सो डिफरेंट लैंग, मतलब इवन द सेम वर्ड कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू सो मेनी डिफरेंट वेज. सो फाइनेंसिंग तो कितना डिफरेंट अपने कंट्री में. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? हाँ, गुजराती लोग ऐसे ही बोलते. सो इफ यू हर्ड योर अ टिपिकल गुजराती केस से तरियागढ़. सो केस इज वॉट? कैश, पैसा. अभी मराठी वाला गुजराती से बात करेगा केस से तरियागढ़, हाँ इतना तो दिख रहा है. सो इट बिकम्स सो मतलब डिफिकल्ट अबाउट दैट. अभी क्लियर विद दिस वन? सो IFC इज अ सेंटर वे बाय पीपल ऑपरेट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स विच आर नॉट अंडर RBI बट विच आर नॉट इलीगल. वन IFC वी हैव इन इंडिया इज नोन एज गिफ्ट, है ना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सेक, एंड दैट इज इन गांधीनगर. क्लियर? कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब ये क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. दिस एग्जामिनेशन 5 मार्कर क्वेश्चन था, व्हाट आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ IFC. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ IFC इज की भाई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए. सो सबसे पहला पॉइंट, और यही 6 पॉइंट है, मतलब यू विल हैव टू रिमेंबर बिकॉज दिस केम एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन नाउ. फर्स्ट वन, इट शुड बी द इंफ्रा शुड बी टू गुड, इट शुड बी कनेक्टेड बाई रेलवेज, रोडवेज, है ना. पॉइंट नंबर टू, स्टेबल, दैट मीन्स वन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट शुड कंटिन्यू विद अनदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. ऐसा नहीं कि दूसरा गवर्नमेंट आ गया तो बोला ये सब बंद करो अभी ये सब कुछ. सो वी हैव अ स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. वॉट इज द थर्ड वन? स्ट्रैटेजिक लोकेशन, असेसेबल टू एवरीथिंग. नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर फोर, क्वालिटी ऑफ लाइफ.
While explaining this also, I was telling it to you, nowadays people don't try to open their centers in Mumbai or Delhi or somewhere. Such a highly polluted cities they are. दिल्ली में तो वो ठंडी में पोल्यूशन का प्रॉब्लम होने लगा है. इवन मुंबई सीइंग दैट नाउ वेरी क्विकली. सो वी नीड टू हैव अ प्लेस समवेयर विच इज़ हाईली डेवलप्ड, माइट एज वेल विच इज़ हैविंग ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो. सो अपार्ट फ्रॉम वर्क वी नीड टू हैव अ बैलेंस टू अदर थिंग्स ऑल्सो. अब दिस प्लेसेज आर कमिंग अप बिग टाइम. चंडीगढ़ हाईली प्लान सिटी. बीन टू चंडीगढ़ एवर? चंडीगढ़, अमृतसर, गुड प्लेसेज. इफ यू गो टू चंडीगढ़, लाइक दे हैव 4 लेन ड्राइव्स, उसके बाद भी 4 लेन और खाली झाड़ी लगा के रखे, और उसके बाद बिल्डिंग घर चालू होते हैं वहाँ पे. बिल्डिंग्स मतलब ऐसा भी नहीं कि 12 माले का बिल्डिंग कोई भी, ऐसे दो दो तीन तीन फ्लोर के बिल्डिंग दिखते भी नहीं है, इतने झाड़ है. प्रॉपरली प्लान, मतलब प्लान भी कितना अच्छा किया कि 4 लेन ड्राइव 4 लेन ड्राइव रखा है, बाद में बाकी और 4 लेन 4 लेन और खाली रखा है, ग्राउंड ही है खाली. मतलब इन द केस अगर हमें कहीं पे वो रोड एक्सपेंड भी करना पड़ा तो और जगह है, अपने यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है. अभी वो लोग और रेलवे ट्रैक डालने की सोचे, बोले डाले कहाँ, बोलते अभी एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर. वी डोंट हैव प्लेसेस लेफ्ट ना. वी हैड सो मेनी प्लेसेस, यू नो, लाइक आई वॉज टॉकिंग अगेन, इफ यू कम टू माई एरिया, यू नो, कांदीवली आई स्टे इन. सो कांदीवली में वेन आई वॉज इन स्कूल, महावीर नगर वॉज नॉट देयर. देर वॉज नथिंग लाइक महावीर नगर, इट वॉज ऑल जंगल. एंड देर वॉज वन बिल्डिंग विच केम अप, आई रिमेंबर इन माई 10th स्टैंडर्ड इन महावीर नगर, द फर्स्ट एवर बिल्डिंग इन महावीर नगर. एंड वन ऑफ आवर फ्रेंड्स टुक इट. ओके, किधर लिया जंगल में घर तूने? और वो हम लोग को घर पे इन्वाइट करता था तो हम लोग जाते नहीं थे, वो जंगल था एकदम. कहाँ तेरे घर पे आएंगे यार, तू कहाँ रहता है मालूम ही नहीं पड़ता है. एंड वेन वी टूडे लुक एट दैट प्लेस नाउ, आई इमेजिन दैट दे कुड हैव प्लान्ड इट सो मच बेटर, दैट तभी वो पूरा जगह खाली है. तो यू शुड हैव प्रोवाइडेड फॉर लेन्स एंड देन फॉर बिल्डिंग्स एंड प्रोवाइडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट. नाउ टूडे इफ आई गो इन टू दैट एरिया, दिस आर लाइक 1 लेन ड्राइव 1 लेन ड्राइव. एक लेन तो पूरा पार्किंग में चला जाता है, और बाद में बीच में आके कोई खड़ा रह गया तो खत्म, जगह ही नहीं बचा है. सो इट्स अ हाईएस्ट नाउ पोल्यूटेड, हाईएस्ट ट्रैफिक कंजक्शन वहां पे होता है, एंड दैट इज द लेटेस्ट एरिया. मतलब द मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट इन कांदीवली वॉज महावीर नगर. अभी वही अगर ऐसा बन गया है तो आई डोंट नो ओल्ड एरियाज का तो क्या हालत होगी. पर डेवलपमेंट ही नहीं, मतलब प्लानिंग नहीं है अपने पास कोई. अभी जहां पे हम लोग ये IFC बाय IFC ओपन करेंगे तो वहां पे नहीं होना चाहिए सब कुछ. सो वी नीड क्वालिटी ऑफ लाइफ. नेक्स्ट वन, वी नीड रेगुलेशन होना चाहिए, बट रेगुलेशन शुड बी नॉट टू मच ऑफ कंट्रोल, नॉट टू मच ऑफ कंट्रोल. आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ आर स्टूडेंट ओनली फ्रॉम आर क्लास, तुम्हारे आर्टिकल शिप के रिलेशन में था. तो शी वॉज सेइंग कि दे लीव एट 9 o'clock एवरी डे. आई सेड भाई 9 काम जल्दी हो जाता है तो बोलते हैं नहीं बॉस खतरनाक है. मतलब काम भी नहीं होएगा तो भी बॉस को हम लोग दिखने चाहिए, काम हो नहीं हो जाके बैठने का. तो मतलब अगर काम नहीं हो तो क्या करते, बोलते कुछ नहीं ऐसे हाथ रखते वो क्या बोलते की पैड पे और मॉनिटर को देखते रहते ऐसे. मतलब अगर वैसे नहीं करोगे तो बोलते तो बॉस को पता चल जाएगा हम कुछ नहीं कर रहे. आई वॉज वेरी वियर्ड अबाउट इट, बट एनी वेज. सो वी शुड हैव रेगुलेशन, बट रेगुलेशन शुड बी रैशनल. Are we clear with that one? And last point number 6, we should have an economy which is sustainable. Pakka? 6 points again. Question number 1. What are constituents of IFC? 1. Infra chahiye. Quality of life chahiye. Accessibility chahiye. Matlab location acha hona chahiye. Government stable hona chahiye. Economy stable hona chahiye. Perfect hai. Next one. And rational regulatory framework. Then I go deep into the word Islamic finance. Do you remember Islamic finance? Yes. A finance which is actually been experienced or conducted by Islam. Sharia board, it's a board which makes the rules and regulation. Another question, Islamic finance versus conventional finance. Important mark karo. Ye question 2 baar examination mein aa chuka hai. Perfect hai? So I would rather say question number 1, what are constituents of IFC? Question number 2, what is the difference between Islamic finance and conventional finance? Next one, concept of riba. Do you recall this riba? Yes. Riba means interest, expansion, growth, unnecessary money. Can I say riba is prohibited by Islam? Yes. That is interest not allowed in Islam. Clear? अगर यहाँ पे अगर तुम लोग को याद हो तो मैंने रिबा के कंस्टिट्यूएंट्स या रिबा यस या नो के लिए
दो कैटेगरी में चीज़ों को डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी इज़ मनी, सेकेंड कैटेगरी इज़ कमोडिटी. सिक्स थिंग्स, गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, राइस, बाली और डेट्स. डेट्स खजूर, बाली वॉज सब्स्टिट्यूएंट टू व्हीट, राइस है और सॉल्ट. फर्स्ट टू थिंग्स आर मनी, नेक्स्ट फोर थिंग्स आर कमोडिटी. इफ़ यू आर डीलिंग सेम कमोडिटी, द ट्रांजेक्शन शुड बी ऑफ सेम टाइम एंड शुड बी ऑफ इक्वल क्वान्टिटी. दो रिबा थे ना, रिबा ऑफ क्वान्टिटी एंड रिबा ऑफ टाइम. रिबा अल नसिया, रिबा अल फदी, याद ही नहीं है कुछ. अभी क्लियर? अभी देखो वापस मैं बोलता हूँ. गोल्ड वर्सेज गोल्ड, सेम टाइम सेम क्वान्टिटी. गोल्ड वर्सेज सिल्वर, सेम टाइम डिफरेंट क्वान्टिटी अलाउड है. सेम कमोडिटी, सेम टाइम सेम क्वान्टिटी विथ इन द ग्रुप. मतलब गोल्ड वर्सेज सिल्वर या डेट्स वर्सेज बाली या सॉल्ट वर्सेज राइस, देन इट शुड बी सेम टाइम बट क्वान्टिटी कैन बी डिफरेंट. एंड इफ यू गो अबाउ द ग्रुप और बिलो द ग्रुप, मतलब ऊपर नीचे करोगे तो डिफरेंट टाइमिंग्स डिफरेंट क्वान्टिटी अलाउड. सो इफ आई से राइस वर्सेज गोल्ड, सो डिफरेंट टाइमिंग भी अलाउड है, डिफरेंट क्वान्टिटी भी अलाउड है, तो रिबा नहीं है. वहाँ पे मैंने तुम लोग को एक एग्जाम्पल दिया था. किसका? बिलाल का एग्जाम्पल दिया था मैंने, तुम लोग को याद हो तो. वो अपने प्रॉफिट को मिलने गया था डेट्स लेके, और उसके डेट्स थे इन्फीरियर क्वालिटी के. फिर उसने एक्सचेंज करा लिया सुपीरियर क्वालिटी के डेट्स के साथ. फिर उसके प्रॉफिट ने उसको बोला नहीं भाई, इसके अंदर तो रिबा अलाउड, मतलब रिबा है ना. बिकॉज व्हाट वाज ही एक्सचेंजिंग इफ यू रिमेंबर, कैन आई से डेट्स वर्सेस डेट. तो डेट्स वर्सेस डेट का रूल क्या है? सेम टाइम सेम क्वांटिटी. व्हाट ही डिड, सेम टाइम बट कैन आई से ही डिड डिफरेंट क्वांटिटी, एंड दैट मींस रिबा वाज अलाउड. आर वी क्लियर? सो व्हाट आर सिक्स मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ रिबा टू अंडरस्टैंड रिबा? गोल्ड, सिल्वर, राइस, बाली, सॉल्ट, डेट्स. गोल्ड एंड सिल्वर आर मनी, द नेक्स्ट फोर आर कमोडिटी. सेम मनी, सेम टाइम, सेम क्वांटिटी. विथ इन द ग्रुप सेम टाइम डिफरेंट क्वांटिटी, आउटसाइड द ग्रुप डिफरेंट टाइम डिफरेंट क्वांटिटी. चलो क्वेश्चन नंबर वन, यू आर गोइंग टू आंसर मी नाउ. फर्स्ट वन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व रिबा, विच इन्वॉल्व्स रिबा. हाँ, फर्स्ट वन, $100 यूरो 150 स्पॉट, डज इट इन्वॉल्व रिबा? इज इट मनी वर्सेज मनी, बट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, बट ट्रांजेक्शन इज स्पॉट. सेम टाइम क्वांटिटी कैन बी डिफरेंट, चलेगा. कैन आई से दिस इज राइट? नो रिबा. नेक्स्ट वन, $150 इज इक्वल टू 5 kgs ऑफ गोल्ड स्पॉट, चलेगा? अगेन मनी है गाइस, सो अगेन नो रिबा. $150 5 kgs ऑफ गोल्ड आफ्टर 1 month, डिफरेंट टाइमिंग हो गया. कैन आई से रिबा इज इन्वॉल्व? मतलब यहाँ पे रिमार्क करके रखते हैं या तो यहाँ पे लिख के रखते हैं कि भाई यहाँ पे रिबा आ गया, ये ट्रांजेक्शन नहीं चलेगा. डू यू अग्री? नेक्स्ट वन गाइस, 1 kg ऑफ राइस 2 kgs ऑफ डेट स्पॉट, चलेगा? राइट है, डिफरेंट कमोडिटी बट ट्रांजेक्शन अभी भी स्पॉट है. 1 kg ऑफ राइस 2 kgs ऑफ डेट आफ्टर अ मंथ नहीं चलेगा. कैन आई से आफ्टर अ मंथ नहीं चलेगा? इज इट रिबा? 1 kg ऑफ सॉल्ट, 1 kg ऑफ सॉल्ट आफ्टर 7 days, यस, मतलब रिबा है इंक्लूडेड. डू यू अग्री? रुपी 1 lakh एट 1,10,000 आफ्टर अ ईयर, यस, रिबा इज इंक्लूडेड. डू यू अग्री विद दैट? सो फर्स्ट वन नो, सेकेंड वन नो, थर्ड वन पे येस लिखा है हम लोग ने, फोर्थ वन इज नो, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ येस. डू यू अग्री? चलो, इस्लामिक फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स नाम से याद रखना है, और क्वालिटीज अगर तुम्हें याद हो तो. हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स हैव आई टॉट यू? 7, याद रखो वापस, भूल नहीं सकते हो, 5 mark है. फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट मुशारखा, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट मुदारबा, थर्ड सुकूक, फोर्थ इजारा, फिफ्थ वन मुरुबाहा, नेक्स्ट वन इस्तिस्ना, एंड लास्ट वन सलाम. 7 थे. फर्स्ट वन नहीं, मुशारखा, मुशारखा 5 points, joint venture or equity participation, point number 1. Point number 2, both the parties will invest,
पॉइंट नंबर थ्री, बोथ द पार्टीज विल मैनेज. पॉइंट नंबर फोर, प्रॉफिट इन अग्रीड रेशियो बट लॉस इन कैपिटल रेशियो. वहां पे नहीं पढ़ो, देखो मेरे साथ और बातें करो. कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की बात करो? पहले तो नाम याद रखो सारे इंस्ट्रूमेंट. मुशारखा, मुदारबा, सुकूक, इजारा, मुरूबाहा, इस्तिस्ना, सलाम. नाउ लेट्स रिकॉल एवरीथिंग. फर्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट अग्रीमेंट? मुशारखा. फाइव पॉइंट्स याद रखने हैं मुशारखा में. आई रिपीट फाइव पॉइंट्स. व्हाट इज फाइव पॉइंट्स? इट्स अ जॉइंट वेंचर और इक्विटी पार्टनरशिप. ऑल पार्टीज विल इन्वेस्ट, ऑल पार्टीज विल मैनेज. PSR मतलब प्रॉफिट इन एनी रेशियो बट लॉस इन कैपिटल रेशियो. मुशारखा, हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू ईयर. ए एंड बी आर पार्टनर्स. ए इन्वेस्टिंग 40, बी इन्वेस्टिंग 60. दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन 30-70. एक्सप्लेन हाउ शैल यू ट्रीट द प्रॉफिट. प्रॉफिट होगा 10,000 का तो 3 and 7. लॉस होगा 10,000 का तो कैपिटल रेशियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट 40-60? सो इट विल बी 4,000 and 6,000. इतना सिल्ली 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बट अगर तुम्हें लॉजिक्स याद नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा. कौन सा था ये अग्रीमेंट? मुदारबा. सुनो अभी आराम से. फर्स्ट वन, जॉइंट वेंचर और इक्विटी, दैट इज पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, ओनली वन पार्टी विल इन्वेस्ट. पॉइंट नंबर थ्री, ओनली वन पार्टी विल मैनेज. पॉइंट नंबर फोर, प्रॉफिट इन एनी अग्रीड रेशियो. पॉइंट नंबर फाइव, लॉस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. और कैपिटल कौन लेके आ रहा है? एक ही बंदा, तो वही लॉस लेगा पूरा. समझाते वक्त भी कहा था, तो सर जो काम मतलब जो कैपिटल नहीं लेके आ रहा उसको तो लॉस ही नहीं लेना पड़ेगा. हाँ, बिकॉज ही इज द वन हु इज मैनेजिंग. तो उसका लॉस क्या हुआ? टाइमिंग, काम किया ना. कॉन्सेप्ट समझा? फिर से एक बार, अग्रीमेंट नंबर टू. व्हाट इज अग्रीमेंट नंबर टू नोन एज नाउ? मुदारबा. पॉइंट नंबर वन वॉज नोन एज जॉइंट वेंचर और इक्विटी. पॉइंट नंबर टू, ओनली वन पार्टी विल इन्वेस्ट. हु इज दैट पार्टी नोन एज? नाम याद है? रबल मॉल. क्लियर? चलो, नाम याद नहीं रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हाट इज पॉइंट नंबर थ्री? मुदारिब. ओनली वन पार्टी विल वर्क. जो पैसा लेके आएगा वो काम नहीं करेगा, जो काम करेगा वो पैसा नहीं लेके आएगा. पॉइंट नंबर थ्री, प्रॉफिट इन एनी अग्रीड रेशियो बट लॉस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. याद आ जाएगा सब कुछ. दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर ना. फर्स्ट वन, सबसे पहले कौन सा? मुशारखा. सेकेंड, मुदारबा. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मुशारखा एंड मुदारबा? मुशारखा में बोथ वर्क्ड, बोथ टुक द प्रॉफिट. यहाँ पे ओनली वन वर्क्ड, वन टुक द. क्लियर? मुदारबा, इफ यू कैन जस्ट रीड द नेम्स ऑल्सो, इट्स अ जॉइंट वेंचर और इक्विटी पार्टनरशिप वेर इन वन पार्टी प्रोवाइड 100% ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व. इट इज नोन एज रबल मॉल. अदर पार्टी प्रोवाइड स्पेशलाइज नॉलेज एंड इंटरेस्टेड विद एक्सक्लूसिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग. ही इज नोन एज मुदारिब. इन केस देर इज अ प्रॉफिट, द प्रॉफिट इज शेयर इन द प्री डिसाइडेड रेशियो. इफ देर इज अ लॉस, द लॉस विल बी बॉर्न बाय द फाइनेंसर ओनली. डू यू अग्री? नेक्स्ट वन, व्हाट इज थर्ड अग्रीमेंट नाउ? गाइस, सुकूक इज नथिंग बट लाइक अ सर्टिफिकेट. क्लियर? चलो, सुकूक इज अ प्लूरल वर्ड. द सिंगल वर्ड इज शक विच मीन सर्टिफिकेट. इट्स अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट हैविंग इक्वल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड शेयर इन द ओनरशिप ऑफ टैंजिबल असेट और इन उसुफ्रुत दैट इज बेनिफिट और द सर्विसेज. सुकूक असेट शुड बी क्वालिफाइड, क्वान्टिफाइड, शुड हैव अ वैल्यू एंड शुड बी केपेबल ऑफ जनरेटिंग अ रेवेन्यू. एक अगर क्वालिटी याद हो तो आपको सारे इस्लामिक फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के पीछे असेट होना ही चाहिए, एक्सेप्ट टू, लास्ट वन, इस्तिस्ना एंड सलाम. इस्तिस्ना एंड सलाम आर वॉयलेशन और अगेंस्ट द नॉर्मल सेल अग्रीमेंट. नॉर्मल सेल अग्रीमेंट, कोई भी चीज़ बेचनी हो अस पर इस्लाम, तो तीन कंडीशन होना चाहिए. सबसे पहले वो चीज़ एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, सेकेंड चीज़ मेरे पजेशन में होनी चाहिए, एंड थर्ड आई शुड बी द ओनर ऑफ दैट असेट. आई रिपीट, एज पर इस्लाम फॉर अ नॉर्मल सेल अग्रीमेंट टू कंक्लूड, वट आर द थ्री कंडीशन? वन, द कमोडिटी शुड बी इन existence. Two, I should be the owner. Three, I should have the possession. What are the two agreements which are in violation to sales agreement? Are two things. First one, istisna and salam. Pakka, add up karte jao apne language mein. Chalo, what was the first one?
मुशारका, सेकेंड मुदारबा, थर्ड वन सुको, फोर्थ वन इजारा इज लीज अग्रीमेंट, इजारा इज लीज अग्रीमेंट, बट दो रीजन से वो लीज से अलग है थोड़ा. एंड द टू रीजन आर, फर्स्ट वन एज पर इजारा द लीज विल स्टार्ट द डे आई हैंड ओवर द असेट, लीज रेंटल स्टार्ट हो जाने चाहिए. जबकि नॉर्मल लीज में है ना, द लीज अग्रीमेंट कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स, बट इजारा में मैंने असेट दे दिया भाई, रेंटल चालू. कॉन्सेप्ट क्लियर? एंड सेकेंड डिफरेंस ऑफ लीज इज इन एक्चुअल लीज, लीज एंड सेल बैक आर पॉसिबल, बट इन इजारा सेल एंड लीज बैक आर नॉट पॉसिबल. व्हाट इज सेल एंड लीज बैक? अभी देखो ये असेट है मेरे पास, अभी ये डेड है, अभी ये यूज तो कर रहा हूं बट मेरे पास पैसे की कमी है, सो व्हाट विल आई डू, आई विल सेल दिस असेट. असेट बेचने से क्या मिलेगा मुझे? कैश. और वापस उसी बंदे से मैं रेंट पे ले लूंगा, दैट इज नोन एज लीज बैक. तो मतलब बेचा और वापस लीज पे ले लिया, तो असेट किधर गया? मेरे पास ही है, कहीं नहीं गया. बट कहना इसे बेचा तो कैश आया, और अभी हमें लीज अग्रीमेंट के हिसाब से लीज रेंटल्स पे करने पड़ेंगे. सेना इसे इट क्रिएटेड लिक्विडिटी फॉर अस. इट इज़ पॉसिबल इन लीज बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इजारा. बट देयर इज अ शॉर्टकट टू डू इट. इन इजारा यू शुड हैव टू डिफरेंट अग्रीमेंट, वन अग्रीमेंट फॉर सेल एंड सेकेंड अग्रीमेंट फॉर लीज. पक्का? ऐड करो, बोलते जाओ ताकि याद आता जाए. व्हाट वाज़ द फर्स्ट अग्रीमेंट? सेकेंड अग्रीमेंट, थर्ड अग्रीमेंट, फोर्थ अग्रीमेंट, फिफ्थ अग्रीमेंट. मुरुबाहा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अग्रीमेंट. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब जिसको मैं बेच रहा हूं उसको मैं बोल के बेच रहा हूं कि भाई इतना कॉस्ट है इतना प्रॉफिट है, समझा? और अच्छा, वाई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्यों मानेगा सामने वाला? बिकॉज यहां पे तो इस्लाम ने कहा है कि अपने को अनएक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट करना नहीं है, अननेसेसरी. कैन आई से टाइमिंग डिफरेंट होगा? सो फॉर एग्जांपल कार फाइनेंस, मैं कार खरीदने गया, उसने बोला 5 लाख, और 5 लाख है नहीं, तो आई गो टू द बैंक, उसको बोलूंगा फाइनेंस कर, ये नॉर्मल है. इस्लाम में कैसे चलेगा? कार खरीदने का है, कितने का कार है? 5 लाख. पैसा है नहीं, सो आई विल गो टू द इस्लामिक बैंक, उसको बोलूंगा भाई 5 लाख का कार है, तो इस्लामिक बैंक 5 लाख का कार खरीदेगा और मुझे 7 लाख पे बेचेगा. पर वो 7 लाख का पेमेंट ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे आज कर दो, वो बोलेगा 1 लाख हर साल करो. कहना ऐसे उसको प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख का, बट दिस इज नॉट इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज नेम इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. कॉन्सेप्ट समझा? सेल प्लस प्रॉफिट, इसको कहते हैं हम लोग मुरुबाहा. क्लियर? एंड लास्ट वन, व्हाट आर द लास्ट टू अग्रीमेंट्स वी हैव? इस्तिस्ना एंड दे आर इन वायलेशन टू नॉर्मल सेल्स अग्रीमेंट. अगर तुम्हें याद हो तो फार्मर्स के लिए बनाया गया था, बेचने के लिए प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए. अब फार्मर का प्रोडक्ट कहां से रेडी होगा? कहने से उसको तो फाइनेंस चाहिए सीड्स के लिए. सो ही कैन नॉट एंटर इनटू नॉर्मल फर्स्ट फाइव, ही विल एंटर इनटू आइदर सलाम और ही विल एंटर इनटू इस्तिस्ना. आर वी क्लियर विद दैट वन? डन? पक्का? यू आंसर माई क्वेश्चन नाउ. पूरा चैप्टर की बात कर रहा हूं. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर? डेवलप इंफ्रा, वन. स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरमेंट, टू. नहीं सुनाई दे रहा. क्वालिटी ऑफ लाइफ, थ्री. स्ट्रैटेजिक लोकेशन, फोर. स्टेबल गवर्नमेंट, फाइव. Regulatory environment, rational regulatory environment, 6. Will you remember that? This is question number 1. Question number 2, difference between Islamic finance and conventional finance. Ye padhna hai tumhe. Question number 3, what are the financial instruments? How many financial instruments? First one, 5 points. First one, joint venture equity. Point number 2, both will participate. Point 3, both will manage. Point, both will participate का मतलब सेम हुआ ना, both will bring the capital and both will manage. Profit in, loss in. Next one, second. Musharka हो गया, second. Mudarba. Are we clear? Joint venture or equity. Both will, only one will bring the capital, only one will manage. Profit in agreed ratio, loss in. Next one, third.
सर्टिफिकेट. फोर्थ दैट इज लीज. फिफ्थ वन मुरबाहा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. एंड लास्ट वन इस्तिस्ना एंड विच आर इन वायलेशन टू नॉर्मल सेल अग्रीमेंट विच इज अलाउड इन इस्लाम. व्हाट इज नॉर्मल सेल अग्रीमेंट एज पर इस्लाम? कितने चीजें होनी चाहिए? पहला, द कमोडिटी शुड बी इन एग्जिस्टेंस, आई शुड बी इन पोजेशन, आई शुड बी द ओनर, ओनली देन आई कैन सेल इट. कॉन्सेप्ट क्लियर? चैप्टर खत्म. कोई डाउट्स है? टू गुड.